बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी कॉर्पोरेटर्स को अच्छा या बुरा दिखाना नहीं है। हम बस जनता और कॉर्पोरेटर्स को इतना बताना चाहते हैं कि जिस जनता ने आपको चुना, आपको अपना कीमती वोट दिया, क्या वो जनता आपसे खुश है या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। हम तो यही चाहेंगे कि आप उनकी फरियाद सुने और उनकी परेशानियों को समझें और पूरी तरह से कामयाब रहें। तो आइए जानते हैं वार्ड नंबर 3 के वोटर अपने चुने हुए कॉर्पोरेटर के बारे में क्या कहते हैं। वार्ड नंबर 3 कॉर्पोरेटर मिस्टर उमेश वंदाल, विजयपुर। बीजापुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 के रियलिटी चेक के लिए जब हम यहां पर आए हुए हैं, यहां के कॉर्पोरेटर हैं श्री उमेश वंदाल और यहां की कुल जनसंख्या है, यहां के वोटर्स हैं 9,700। तो आज हम यहां रियलिटी चेक के लिए आए हैं, यहां की अभिवृद्धि, यहाँ के विकास के बारे में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अम्बा भवानी मंदिर के सामने गैंग बॉडी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के जानकारी, यहाँ के लोगों से ही यहाँ की अभिवृद्धि और यहाँ के विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ ರೀ, ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ದೇವಸ್ಥ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 24/7 ಉಳಿದಿತ್ತು ರೀ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಜು ಜೋ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಬಾಜು ಮೇ ಜೋ ಗಲಿ ಜಾ ರೀ ಹೇ ತೋ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ಇಸ್ ಪರ್ ನಜರ್ ಪಡಿ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ರೋಡ್ ಪುರಾನಾ ರೋಡ್ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಹೇ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ಪೂರಿ ಖಸ್ತಾ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಯೇ ರಾಸ್ತಾ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಹೇ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೋ ಲೈನ್ ಖೋದಿ ಗಯಿ ಹೇ ಶಾಯದ್ 24/7 ಕಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಮನೆ ಅಡ್ಯಾರಿ ಅದು ನೀವು 24 ನೀರು ಹಾಂ ಹಳೇದದ ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ यहाँ पर हमने क्या है कुंभार गली सलम एरिया में जब हमारे इंटरव्यू तो यहाँ पर हमने देखा कि सीसी रोड तो बना हुआ है, सीसी रोड तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। तो आइए और जो मूलभूत सौकर्य में सार्वजनिक शौचालय है या स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। इकड़े ना सर 24/7 नळा इना आगेला इना मारतीन मारतीन तो इना भरोसे नहीं कोड़ा सर इना वर्क चालू आगे सर ना के क्षण स्वल्प आगती प्रारंभ मत शौचालय यू गोर्मेंट शौचालय ऐन सर नमूने प्राइवेट ಒಂದು 4-5 ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಏನದಾರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಸ ಚೇಂಬರ್ ಇವು ಅವು ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪಿ ಹಂಗೆ ಇದೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಇವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸಾಫ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಅದೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಕಸ ಅದೈತಿ, ಇವು ಝಾಡು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ತೋ ಹಮ್ನೆ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಮೇ ಜಬ್ ಅಂದರ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत पहले ये फर्सियाँ का काम हुआ है, फर्सियाँ वगैरह सब फूटी हुई हैं। तो आओ देखेंगे, आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है। कि लोगों ने हमें आकर यहाँ बताया कि घरों के बीचों बीच में
ये जो गंदा जाता है कचरा फेंका जाता है यहाँ पर महानगर पालिका की ओर से एक डस्टबिन की भी व्यवस्था नहीं है। ಮತ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಗಿತಾರ ಕಸದ ಬಾಯಿ ಲಘು ಬರ್ಲಾತಿಲ್ರಿ, ಲಘು ಬಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ರಿ ಕಸ. ಸೆವೆನ್ ಕಾ ಜೋ ಕಾಮ್ ಶುರು ಹೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಯೇ ಕಾಮ್ ಶುರು ಹೇ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯಿಯೇ ಇನ್ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾಓಂ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಬಂದಾಗ್ಯದ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ತುಂಬೇಕಾತಾರ ಹೆಂಗ್ ರೀ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ಬಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತುರಿ, ಅವು ಬಂದೈತಿ ಈಗ ಬಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟೆ ನೀರ್ ತುಂಬತಾವ್ರ ಮನಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸ ಬರ್ತಾವ ಹುಡುಗರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ನಳ ಬಂದ ತಿನ್ನ ತೆಗಿತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಮುಸ್ರಿ ಕಸ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಬಾಂಡಿ ಅದಿ ತೊಳಿತಾರ ಅರ್ಬಿ ಅದಿ. ಹಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಚೇಂಬರ್ ಹೇ ಈ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ ಕಾ ಪಾನಿ ಆನೆ ಚೇಂಬರ್ ಜೊ ಹೇ ಪೂರಿ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಔರ್ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಕಿ ಗಂದಗಿ ಪೂರಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಘರೋ ಮೇ ಆ ಜಾತಿ ಹೇ. ಆಯೇ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯೇ ಘರೋ ಮೇ ಪಾನಿ ಆತಾ ಹೇ ತೋ ಯೇ ಘರ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀಚೆ ಹೇ, ನೀಚೆ ಹೇ ಯೇ ಘರ್ ಔರ್ ಯೇ ನಲ್ ಕಾ ಪಾನಿ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಚೇಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಜೊ ಹೇ ಯೇ ಪೂರಾ ಗಂದಾ ಪಾನಿ ಇಸ್ ಘರ್ ಮೇ ಚಲಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕಾ ಆರೋಪ ಹೇ. ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೇ. ಅಬ್ ಇಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೋ ಹರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ನಜರ್ ಪಡಿ ತೋ 24x7 ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಶುರು ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಜರೂರಿ ಹೇ ಕಿ ಇಸ್ ಜೋ ಸಿ ರೋಡ್ ಬನ್ನೇ ಗೇ ನಯೇ ತರೀಕೆ ಸೇ ಜೋ ಅಗರ್ ಇನ್ಕೋ ವಕ್ತ ರಹತೆ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕರ್ನಾ ಜರೂರಿ ಹೋತಾ ಹೇ. ತೋ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ನಜರ್ ಪಡಿ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿ ಜೊ ಹೇ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬನ್ನಾ ಹುವಾ ಹೇ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಹರ್ ಸಹೂಲತ್ ಸೇ ವೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹರ್ ಸಹೂಲತ್ ಉನ್ಹೇ ಮೌಜೂದ್ ಹೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕೆ ತಹತ್ ಜೊ ಹೇ 2015 aur 16 ಕೆ ಅನುದಾನ ಮೇ ಜೊ ಹೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಶೌಚಾಲಯ ಬಿ ಬನಾಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಐತ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ತೋ ಬನಾಯಾ ಗಯಾ ಹೇ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಚಾಲೂ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಜಗೆ ಜಗೆ ಪಾನಿ ಕಿ ಟ್ರಕೆ ಬಿ ಬಿಠಾಯಿ ಗಯಿ ಹೇ ಬಿಠಾಯಿ ಗಯಿ ಹೇ ಔರ್ ವಕ್ತ ಪರ್ ಸುಬೋ ಔರ್ ಶಾಮ್ ದಿನ ಮೇ ದೋ ಬಾರ್ ಜೊ ಹೇ ಯಹಾಂ ಪಾನಿ ಛೋಡಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೀಚೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೆ ಬಾಜು ಮೇ ಪತ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಜೊ ಹೇ ವಹಾಂ ಸೆ ಹಮ್ ನಿಕಲ್ ರಹೇ ಹೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಬನ್ನಾ ಹುವಾ ಹೇ ಔರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೇ, ಫೋಕಸ್ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೇ. ಯಾನಿ ಔರ್ ಜ್ಯಾದಾ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಕೆ ನಿವಾಸಿಯೋ ಸೆ ಹಿ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹೇ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಫರ್ಸಿ ಕಾ ಕಾಮ ಇಸ್ ಪತ್ಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಹುವಾ ಹೇ. ಚಲೋ ಅಂದರ್ ಕಿ ತರಫ್ ಚಲ್ ಕರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಹೇ. ರೋಡ್ ಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ, ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿ ದೂರ್ ಕರೇ ಹೇ. ಅವ್ರ ನಲ್ ಹಮಾರೆ ಕೈ ಸಾವನೇ ನಲ್ ನಾ ಲೇತೆ ಹಮ್ನ ಹಮಾರೆ ವಂದಲ್ ಸಾಹಬ್ ಕ್ಯಾ ಅದೋ ಪೂರೆ ಹರ್ ಕೋಗೆ ನಲ್ ದಿ ಹಮ್ನ ಘಾಸ್ ದಿ ಅವ್ರ ನಲ್ ಪಾನಿ ಕಿ ತರ ಹೋತಿತ್ತಿ ಹಮ್ನ ಅವ್ರ ಪಾನಿ ಕಿ ಬಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಕರ್ ದಿ ಹಮ್ನ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹೇ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ದರ್ಗಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪಹುಂಚೆ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಬನ್ನಾ ಹುವಾ ಹೇ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕೆ ತಹತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಬನ್ನೇ ಗಯೆ ಹೇ. ಆಯಿ ಇನ್ನೀ ಸೇ ಪೂಛತೆ ಹೇ ಕಬ್ ಬನೇ ಬರಸ್ ಸ್ವಾ ದೇಖೋ ಹಾಂ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಹುವಾ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ನೀ ಸಮಸ್ಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹಬ್ ಸಬ್ ಸಬ್ ಕಚರಾ ಹೋಯ್ ನವೇ ಆತೆ ಖುದ್ ಝಾಡು ಮಾರೇ ಸ್ವಾಯ್ वैसे तो रोड वगैरह का सब काम हो गया है वार्ड नंबर 3 में, कंक्रीट के सीसी रोड सब बने हैं और इसमें हर गली छोटे कूचे में भी कंक्रीट की रोड बनी हुई है.
और दूसरी समस्या जैसे कि यहाँ की आवाम बता रही है वाटर प्रॉब्लम और जो ड्रेनेज है वो कुछ होना बाकी है, काम करना बाकी है। ड्रेनेज हाय हाय ड्रेनेज है समस्या तो ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೇನೇಜ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನಂತರ ಇದ್ರ ನೀರು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಇವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ವಾರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಹರಿತಾವೋ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರವಣಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಿಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತು ಗುಂಜನೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ನಂಬರ್ ಹೈ ಔರ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಆತಾ ಹೈ ಕೋಯ್ ಭಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋ ಆಕರ್ ಹಲ್ ಕರ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಭಿ ಟೈಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಕಾಲ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ರಿಸೀವ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಐಸಾ ಕುಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಹೀ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮೇ आज हम आए हैं जो पुलिस परेड ग्राउंड के बिल्कुल बाजू में ये जो मेन रोड आपको नज़र आ रहा है उधर इस मेन रोड से जो शांति नगर को आने के लिए पहले तो बिल्कुल जगह ही रास्ता ही नहीं था लेकिन ये बहुत बड़ा गढ़ा होने की वजह से बहुत बड़ा यहाँ पर जो है महानगर पालिका की ओर से इस टेक को खोद कर लेवल करते हुए नीचे से मेन रोड से होते हुए यहाँ पर जो है सीमेंट कंक्रीट रोड पूरी तरह से ऊपर तक बनाई गई है ताकि शांति नगर को आने वाले निवासी जो है मेन रोड से सीधा जो है शांति नगर आ सके। यानी पहले इतना खस्ता एक गड्ढे नुमा ये टेक था जो बिल्कुल पत्थर और मिट्टी से भरा हुआ था लेकिन बड़ी मुश्किल से बाइक भी नहीं आ सकती थी लेकिन अब जो है बाइक भी आना मुश्किल था तो अब जो है ये टेक को पूरा लेवल करके सीमेंट कंक्रीट बेड डाला गया है और शांति नगर के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए शांति नगर के अंदर चलते हैं और यहाँ के निवासियों से ही जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की अभिवृद्धि और विकास के बारे में। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ 4-5-7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದರ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು 30 ಫುಟಿನ ರೋಡ್ ಅದ 30 ಫುಟಿನ ರೋಡ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟು 20 ಫುಟಿನ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ತನಕ ಆ ಕಡೆ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಯಾವುದು ಏನು ಇದು ಇಲ್ರಿ ಇವೆ ಕಸದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿಷ್ಟೇ ರೀ ಕಸ ಬೈಯೋರು ಬರ್ತಾರೆ के यहाँ के निवासियों शांति नगर के निवासियों के कहने के मुताबिक जो है ये जो रोड आपको जो नज़र आ रही है ये टार रोड जो नज़र आ रही है ये 7 या 8 साल पेश्तर यानी 7-8 साल पहले ये रोड बनाई गई थी लेकिन एक बार बनने के बाद फिर दोबारा ये रोड रिपेयरिंग के लिए या इसको दोबारा बनाने के लिए कॉर्पोरेटर की ओर से या महानगर पालिका की ओर से कोई भी यहाँ काम नहीं हुआ है। और दूसरा काम ये रोड इनके कहने के मुताबिक 30 फीट रोड है 30 फीट रोड रहने के बावजूद भी ये यहाँ से अंदाजन ये 8 या 10 फुट की ये रोड बनी हुई है लेकिन अभी 20 फीट का रोड बनना बाकी है। अगर ये रोड बनती है तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा सहूलत मिलती है। अंदर के एरिया में जब हम पतली गलियों में पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि तमाम सीसी बेड कॉन्क्रीट हर गली में बिछा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शांति नगर जो नया ये रोड बना हुआ है और समस्या जो भी है यहाँ पर यहाँ के निवासियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। ಓನಿಗೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಇಲ್ರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ 24 ತಾಸು ನಳ ನೀರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ರಿ ಹಾಕಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಹೇಳಿವ್ರಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಆಗ್ತಾವ ಸಾವಕಾಶ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಡಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಬ್ ಪಹುಂಚೆ तो यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ के निवासियों से ही जानने की कोशिश करते हैं।
क्या नहीं कुछ नहीं, पानी की चेक तकलीफ 15 दिन को एक बार धुपकाले में पानी की तकलीफ ज्यादा है हम ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी जो है 24/7 वाटर पाइपलाइन का काम शुरू है, तो और समस्याओं की जानकारी के लिए यहाँ के निवासियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ एला हंगा हंगा इट होता नोड़ी ಕಸ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ರಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳ್ಳಕ್ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟು ಹರಿದೋದ್ರ ಮಾಡತ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಹೊಲಸು ನಾರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳಾಗ್ತಾವು, ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ತೈತಿ ರೀ. ಅದ್ರದ್ದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹಾಂ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅದು ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೀ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾಂ, ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಗಟಾರ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ನೀರು ಪೂರಾ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ನೀರು ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನೀರು ಇದು? ಗ್ಯಾಂಗ್ಬೂರ್ ಜಯನಗರ ಕಲ್ನೀರಿ ಅದು. ನಮ್ಮ ನಗರ ಸಭೆ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನು 24 ಅವರ್ಸ್ದು ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಅದನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯೊಳಗೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ವಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾ ಯೇ ಘರ್ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ವಿ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ರೋಡ್ ಬನಿ ವಿ ಹೈ. 24/7 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಭಿ ಹುವಾ ಹೈ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪೇ ಲೈಟೇ ಲಗಿ ವಿ ಹೈ, ಯಾನಿ ಪೂರಿ ತರಹ ಸಾಫ್ ಸುಥರಾ ರಾಸ್ತಾ. ಔರ್ ಕಿಸಿ ಕಿಸಮ್ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾ ತೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹಮೇ ನಜರ್ ನಹಿ ಆಯಿ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಡಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠ ಲೈನ್ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಮ್ನೆ ಕೆ ಲೈನ್ ಮೇ ಹಮ್ ಆಯೇ ಹೈ. ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಕೆ ಯೇ ಬಹುತ್ ಪುರಾನಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಹೈ ಜೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಸ್ತಾ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ನಜರ್ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ಔರ್ ಸಮಸ್ಯಾವೋ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ಹಮ್ನೆ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ ರೋಡೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬಾದನೆ ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಾ ಯೇ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೋಡ್ ಹೈ. ಯೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜೊ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಪ್ಕೋ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಯೇ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಯೇ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ಹಿ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸರ್, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ರೀ ಓಣಿಯೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ನೀರಂತೂ 9 ದಿನ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾವು. 24/7 ನಡೆದಾವು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರೀ 9 ದಿನದ ತನ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಶಿಶಿ ರೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿ ಜಗಳ ಆಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಈ ಉಳಿದು ಏನು ಅದೇ ಈ ದುಮ್ಮಾಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹೈ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಜಯಪುರ್, ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ನೆ ಇಸ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜೊ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಚಲಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಪ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೋ ಸಾಫ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜೊ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸೆ ಸಾಫ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೈ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾನೇ ಇದೆ ಪೂರಾ. ಸಣ್ಣ ಮೊದಲಿಂದ ಏನೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನಿ ಪೈಪ್ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಡಿ ರೀ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಯಾವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರೋ ನೀರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಳದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಳದಂತೂ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಚೇಂಬರ್ದು ಏನೈತಿ ರೀ, ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಐತಿ ರೀ, ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೈತಿ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರದೇನು ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಲಗಾಯ್ ತಕ್ ಭೇಜ್ದೇನೆ ಹಮೇ ಮೆಂಬರ್ ಕು ಫೋನ್ ಲಗಾನಾಚ ಲಗಾಯ್ ಬಾದಿ ಜಾತ ಹೈ ಐಸಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ವಾಲೆ ಖಾಸ್ ಆತೇ ಭಿ ನಹೀ ಕುಛ ದೇಖ್ತೇ ಭಿ ನಹೀ. ಲೈಟಾ ಚಾಲೂ ಹೈ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ, ಕಚರೆ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾ? ನಹೀ ನಹೀ, ಕಚರಾ ಭಿ ರೋಜ್ ಜಾತಾ. ಬಡಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆ ಪೈಪ್ ಛೋಟೆ ಹೋನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಯೇ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ದೋ ದಿನ ಕೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಇಸೆ ಸಾಫ್ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಫರ್ಯಾದ ನಹಿ ಸುನಾತೆ ತಬ್ ತಕ್ ಯೇ ಕಾಮ್ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ತೊ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ ಔರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪರ್ ಲೈಟೆ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಔರ್ ಕಚರೆ ಕಿ ಭಿ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಕಹನೆ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಕೋಯಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಹಿ ಹೈ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಜುನೇಜಿ ಮಸ್ಜಿದ್
की पतली गलियों में जब हमने सर्वे किया तो यहाँ पर आप देखते हैं रियलिटी चेक के दौरान हम आपको बता रहे हैं कि फर्शियाँ तो डाली बिछाई गई हैं लेकिन काफ़ी पुराने फर्शियाँ हैं, इलेक्ट्रिक पोल पर फोकस तो लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या समस्या है लोगों की हमने जानने की कोशिश की। पानी ड्रेनेज यहाँ का बराबर नहीं है, पानी बारिश आएगा तो पूरा पानी ठहरता है, ड्रेनेज में जाता नहीं पानी, नहीं ऊपर से ड्रेनेज है जाता नहीं, पूरा बारिश आएगा तो पूरा पानी घर में जाता। शौचालय नहीं, उन्होंने आते भी नहीं, बनाते भी नहीं, उन्होंने बोलते मुसलमान को नहीं देते हमें, बनाते नहीं। कौन बोले ये वंदाल? वंदाल क्या बोले उन्होंने? मुसलमान को संडास नहीं बना के देते, कई को नहीं बनाते देते, अगर पूछे गए तो नहीं पूछे हम, नहीं बोले हम छोटे छोटे। कुछ पानी की समस्या है इधर, कॉन्क्रीट रोड नहीं है हमारा और संचला तो गवर्नमेंट तो कुछ दिए नहीं। शौचालय के लिए फॉर्म वगैरह भर को दिए, मेंबर साहब को बोले तुम्हें? नहीं बोले कुछ हम, नहीं बोले। उन्होंने क्या बोले? आते इधर आते ही नहीं तो जुन्नदी मस्जिद के पीछे। अच्छा, यहाँ पानी की तकलीफ है जी, और थोड़ा गली में क्या चेमरा का वो सपड़े तो काटते नहीं, कौन भी कौन आते थे नहीं जी, यहाँ काटने आए तो भी 200 रुपए नहीं जाते। देख सकते हैं कि ये जुनेजी मस्जिद के पीछे में हम लोग ठहरे हुए हैं, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ ये सिर्फ 1.5 फीट की फर्सी है और ये फर्सी के बिल्कुल बाजू में एक गहरा कुआं है, शाही बौड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी फर्सी पर से बच्चे बूढ़े इसी फर्सी से गुज़र कर इस गली में आते हैं, लेकिन कई मर्तबा यहाँ इस कुएं पर स्लैब डालने के लिए मेंबर साहब यहाँ के कॉरपोरेटर साहब से यहाँ के लोगों ने गुहार लगाई लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। अगर वक्त रहते इस पर अगर स्लैब डालते हैं या कुछ इसकी व्यवस्था महानगर पालिका से करेंगे तो एक बड़ा हादसा होने से टल सकता है। वार्ड नंबर 3 के हज़रत ख्वाजा जुनेदी सानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सामने जब हम पहुँचे तो यहाँ पर तो कोई अभिवृद्धि हमें नज़र नहीं आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई साल पहले जो फर्शियाँ डाले हुए थे वो पूरी तरह से फूट चुके हैं, टूट चुके हैं और कंक्रीट सीसी कंक्रीट भी नहीं डाला गया। और यहाँ के लोगों से ही पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर म्यूनसिपालिटी वाले का एक भी काम नहीं हो रहा। पहली बात यह है ये नल्ला के वास्ते खुद को नल पाइपा तो डाले, 24 घंटे का नल नहीं है और ये पूरा बेड डालते हैं करके बोले बेड का भी काम नहीं है और कौन सी भी काम क्या है आता ही ये प्राइवेट ज़मीन है करके बोल को क्या है हमारे यहाँ सदर साहब से बात करके जाते हैं कौन सा काम उन्होंने दिल से लगा करे नहीं। तो आए थे कहें मेंबर साहब? मेंबर साहब आ को देख ये वंदाल वंदाल मेंबर साहब आए थे एक बार भी आते नहीं, अभी दुम्बाले आ को जाते हैं वंदाल का तो पता ही नहीं। खुद को यहाँ मस्जिद पास का अब तक इसका क्या व्यवस्था नहीं, फर्शा नहीं, बेड नहीं, क्या भी नहीं। क्या बोलते हैं मेंबर हैं क्या बोलते हैं? रोज एक बार आते हैं, चेक करते हैं, जाते हैं, ठहर के जागते हैं, माप लेके जाग छोड़ते हैं। कितने बार नहीं, हर बार इलेक्शन टाइम कितने बार माप लेके नहीं का तो भी 10 बार माप लेके आते ही, हर बार आते माप लेके जाते, हर बार आते माप लेके जाते। 2 साल हुआ ऐसा, ये कर को नल्ला का भी ये नहीं है कुछ नहीं। मेंबर साहब आपको देख को जाते हैं? हाँ, देखना जाना, काम तो नहीं हुआ अभी? नहीं। वार्ड नंबर 3 अंबेडकर कॉलोनी का हमने जब जायज़ा लिया तो हमारे राइट साइड में तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सीसी रोड बना हुआ है और ये मेरे दाहिनी तरफ जो रॉयल शादी महल है, रॉयल शादी महल के सामने ये रोड पुराना है, बिल्कुल खस्ता हालत में है। आप देख सकते हैं पीछे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल खस्ता हाल, BCM हॉस्टल तक ये रास्ता, मेन रोड जो है ये बिल्कुल खस्ता हालत में है। आइए यहाँ के लोगों से ही यहाँ की अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर कॉलोनी के भीतर जब हमारी नज़र पड़ी तो हर तरफ जो है सीसी रोड बना हुआ है और स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। ये अंबेडकर कॉलोनी के हर कॉलोनी में जो है सीसी रोड बना हुआ है। तो आइए और समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर कॉलोनी में पानी का पाइप फूटा हुआ है लेकिन जैसे ही पानी आता है नल में तो ये पानी बहकर हज़ारों सैकड़ों लीटर पानी जो है बहता हुआ पूरी तरह वेस्ट हो जाता है। हमने आपको बता रहे हैं कि
गली गली में पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हज़ारों के लीटर की तादाद में पानी, जब तक नल में पानी बंद नहीं होता तब तक ये पानी बहता रहता है। हेलो वाटर बोर्ड सर, ना ब्यू न्यूज़ नेशन इंद खुर्शीद आलम ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಬೇಗ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೊ ಹಮ್ನೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತೀನ್ ಮೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಹುಂಚೆ. ತೊ ಜಗೆ ಜಗೆ ಹಮ್ನೆ ಯೇ ಪಾನಿ ಕಿ ಟಾಕಿಯಾ ಬಿಠಾಯಿ ದೇಖಿ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಜೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹೇ ತೊ ಯೇ ಭೀ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಸಹೂಲತ್ ಜೊ ವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಹುಯಿ ಹೇ ಔರ್ ಪಾನಿ ಯಹಾಂ ಸೆ ಲೋಗ್ ಫಾಯ್ದಾ ಉಠಾ ರಹೇ ಹೇ ಪಾನಿ ಲೇನೆ ಕಾ ಔರ್ ಜಗೆ ಜಗೆ ಪಾನಿ ಕಿ ಸಹೂಲತ್ ಕಿ ಗಯಿ ಹೇ. ತೊ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ್ ಹೇ ತೊ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕಿ ಗಲಿ ಮೇ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ನಜರ್ ಪಡಿ ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ರೋಡ್ ಜೊ ಹೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಸ್ತಾ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಹೇ. ಅಭಿ ರೋಡ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹುವಾ ನಹೀಂ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ 24x7 ಕಿ ಲೈನ್ ಬಿಛಾಯಿ ಗಯಿ ಹೇ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇದು? ಇದು ಸಿಂಧೆ ಕಾಲೋನಿ ರೀ. ಸಿಂಧೆ ಕಾಲೋನಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಅದು 24 ತಾಸಿಂದ ನಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಡ್ಡ್ಯಾರಿ. ಇದು ರೋಡ್ ಹಾಂ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲರಿ ಹೊಸದೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಡ್ಡ್ಯಾರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ಹಾಂ ರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಹಾಂ ಹಾಗೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವ್ರಿ, ಅವರು ಭಾರಿ ವರ್ಕರ್ ಅದಾರ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಬೌಸಾರ್ ನಗರ. ಬೌಸಾರ್ ನಗರ ಮೇ ಜಬ್ ಹಮ್ ಪಹುಂಚೆ ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಹಮಾರಿ ನಜರ್ ಪಡಿ ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ತೊ ಬನಾಯೆ ಗಯೆ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ 24x7 ಕಾ ಕಾಮ್ ಶುರು ಹೋನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಯೇ ಪೂರಾ ಜೊ ಹೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖೋದಾ ಗಯಾ ಹೇ ಔರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪರ್ ಲೈಟೆ ಭೀ ಲಗೆ ಹುಯೆ ಹೇ. ತೊ ಸಮಸ್ಯಾವೋ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ನಳಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಆ ನಳಗಳದು 24 ತಾಸಿಂದ ಪೈಪ್ ಏನದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಲೈಟಿದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅದ, ಹಂಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಸ್ವಚ್ಛತಾನೂ ಅದ, ಮತ್ತು ಉಳಿದೇನು ತೊಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹಾಂ ರಸ್ತದ ಕೆಲಸ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಬೌಸಾರ್ ನಗರ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೀ, ಬರುವುದಾವತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಲೈನ್ಗಳು ಬಲ್ಬು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಬರು ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಸ ಗುಡ್ಸ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಬೌಸಾರ್ ನಗರ ಮೇ ಜಬ್ ಹಮ್ ಪಹುಂಚೆ ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮೇ ಏಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಜರ್ ಆಯಾ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪಹುಂಚೆ ತೊ ಹಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ನಜರ್ ಆಯಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಬಿಛಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಸಫಾಯಿ ಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಯಾಲ್ ರಖಾ ಹುವಾ ಹೇ ಔರ್ ದರಖತೆ ಭೀ ಲಗಾಯೆ ಗಯೆ ಹೇ. ಯಾನಿ ವೋ ಯೇ ಜೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೇ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಉಪಯೋಗ ಆನೆ ಕೆ ಕಾಬಿಲ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮೇ ನಜರ್ ಆಯಾ. ತೊ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೌಡಿ ಏರಿಯಾ ದಿಲ್ದಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಬ್ ಹಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಹುಂಚೆ ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮೇ ನಜರ್ ಆಯಾ ಕೆ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ತೊ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಭೀ ಲಗೆ ಹುಯೆ ಹೇ ಔರ್ ಮೇರೆ ದಹಿನಿ ತರಫ್ ಭೀ ರೋಡ್ ಕಾ ರೋಡ್ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೇ. ಅಬ್ ದೇಖ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಪೀಚೆ ಭೀ ರೋಡ್ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಭೀ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೇ. ಯಾನಿ ಯಹಾಂ ಭೀ ಕೋಯಿ ಹಮೇ ಸಮಸ್ಯಾ ನಜರ್ ನಹೀಂ ಆಯಿ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೌಡಿ ರೋಡ್ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಮ್ನೆ ಜಬ್ ಹಮ್ ಪಹುಂಚೆ ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖಾ ಕಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಹೇ ಯೇ ಭೀ ಹಾಲಾಂಕಿ ಪುರಾನಿ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಅಚ್ಛಿ ಹಾಲತ್ ಮೇ ನಜರ್ ಆ ರಹಿ ಹೇ. ತೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಪರ್ ಲೈಟೆ ಭೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಭೀ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೇ. ಯಾನಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕೋಯಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಹಮೇ ನಜರ್ ನಹೀಂ ಆ ರಹಿ ಹೇ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ KSRTC ಕಂಪೌಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೌಡಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಜೊ ಹೇ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ತಯಾರ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೇ ಔರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆ ಲೈಟೆ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಪೋಲ್ ಪೆ ಲೈಟೆ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೇ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕೋಯಿ ಕಚರೆ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಭೀ ಹಮೇ ನಜರ್ ನಹೀಂ ಆ ರಹಿ ಹೇ. ಮೇರೇ ದಹಿನಿ ತರಫ್ ಭೀ ಆಪ್ ದೇಖ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕೆ ಯೇ ಜೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೌಡಿ ಕಾ ಜೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ KSRTC ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೆ ಬಾಜು ಸೆ ಜೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೇ ಯೇ ಭೀ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ
अच्छा नज़र आ रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। वार्ड नंबर 3 के वाटर टैंक कनाडा स्कूल नंबर 10 के गलियों में हम पहुँचेंगे और वहाँ की अभिवृद्धि और विकास के बारे में वहाँ के निवासियों से जानने की कोशिश करेंगे। ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अंतर प्रयत्नदिंद ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡು ಆಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾನಚ್ಚಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ ಹಂದಿ ಕಾಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗೂ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನೀರಿಂದಂತೂ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಳ ಸಲವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ಕಸ ಈ ಮನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಸಲ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಅದು ಬರಕತ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಭಾಳ ಅದ ಆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅದ ಈ ಪರ್ಸಿ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆತು ರೀ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೇನು ಒಂದಲ್ಲಾನವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾರ ಬರಲ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಞೂ ಚಂಬರ ಇದು ಅದು 2 ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ ये गैंग बॉडी वार्ड नंबर 3 का जो कनाडा स्कूल नंबर 10 का इसके बाजू में जो सलम एरिया है हमने सलम एरिया में जाकर वहाँ के समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें तो यहाँ पर पर्सी दिखाई दे रही है चैम्बर नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा सलम एरिया है क्या यहाँ के समस्या है उतरता आजू बाजू गंदा उतरता इधर उधर बाजू भी गंदा बारिश का पानी यहाँ आता क्या आता आता उधर आता देखो ड्रेनेज का लाइन हो सो भाई हाय हाय सो भाई संडा से बना के दी क्या संडा से म्युनिसिपल तरफ से संडा से नहीं है नहीं। करते बोले क्या भी नहीं करे मेंबर को मिले जाको संडास बनाओ करके बोले उनको बोले तो क्या भी उन्हें क्या चेस करे ने तो क्या नहीं करे यहाँ आते तो तो आपने वार्ड नंबर 3 का रियलिटी चेक देखा। इस पर हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने वार्ड के कॉर्पोरेटर उमेश वंदाल से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वार्ड की अभिवृद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहिए। मैं अभी ये बार मैं दूसरी बार ये वार्ड को चुन के आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो आपको तो मुझसे बेहतर पता चल गया होगा कि अभी ये आपने तो वार्ड में तो आपने पूरा छानबीन किया है जो काम हुआ है जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में आपको ज़्यादा मालूमत है। और मेरे ख्याल से तो पहले यहाँ पे जब मैं चुन के आया था तो एक बिल्कुल एक स्लम था कुंभार गली बड़ा स्लम है मेरे वार्ड में वो और यहाँ पे तो बहुत से काम बाकी थे। मैं पहला काम क्या किया पहला सर्विस पब्लिक को रोड लाइट और ड्रेनेज का और नल का जो है पानी का प्रॉब्लम तो बहुत था पहले। अभी जब चुन के आया तो एटलीस्ट एक 5-6 दिन को तो एक बार नल आ रहा था उसके लिए अभी क्या है 24/7 का तो हो गया है। अभी उसका भी काम हमने चालू कर दिया। अभी उन्होंने बोला कि अभी 3-4 से 5 महीने के अंदर आपको यहाँ पे पानी मिल जाएगा क्या अधिकारियों ने बोला है। अभी नल का ही थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम मैं सब देखा तो पहले तो इधर एक भी रास्ता सही नहीं था। मैं जब पहली बार इलेक्शन का कैनवासिंग करने निकला था तो मुझे लगा कि ये मुझे ही एक अजीब लग गया था। यहाँ पे बहुत सारे काम बाकी थे
यानी कुछ काम पहले हुआ भी नहीं था, यानी पूरा बैकवर्ड क्लास जैसा था ये वार्ड हमारा। अभी एक वो कुछ लोग बोलते हैं मुझे भी अभी, क्या यार तो आपने बहुत काम कर दिया है कि हमारे इधर प्लॉट्स के रेट भी ज़्यादा हो गए, ऐसे बोलते हैं। क्या इंडिविजुअल शौचालय कितने बने स्वच्छ भारत अभियान के तहत? अभी हमारा तो मेरे ख्याल से ये बीजापुर शहर में 35 वार्ड में शायद पहली बार बोले तो बैल मुक्त शौचालय बोल के, जहाँ पे जो बाहर शौचालय के लिए जाते हैं वो मेरे ख्याल से मेरे उधर तो नहीं है, क्योंकि मेरे इधर एक ही एरिया ऐसा है जो जहाँ पे बैल शौचालय था वहाँ पर भी हमने रोक लगा रखा है। और उस दिन हमने कम से कम 15 दिन सुबह 6 बजे उठ के हमने वहाँ पे पहरेदारी की, जो जो उधर बैल उस टॉयलेट को आता था जिनके पास शौचालय नहीं थे मैंने उनका घर को जाके उनका अगर जगह रहा तो बना के दे दिया, जिसका जगह नहीं उनको पब्लिक टॉयलेट का सुविधा कर दिया था। पहले पुराना पब्लिक टॉयलेट था उसको हमने डेमोलिश करके नया 2 पब्लिक टॉयलेट बनाए, जहाँ एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। और हमारे इधर जो बैल शौचालय के लिए शापुरक्षी जो नज़दीक पड़ता है वो वार्ड के तो बहुत लोग आते थे यहाँ पे बैल शौचालय के लिए। घर घर शौचालय जो आप बनाए हैं, हाँ वो कितने बनाए हैं? कम से कम 125 के ऊपर बनाए, 100 हाँ बनाया है। अभी कम से कम कुछ नहीं बोले तो कुछ लोगों के पास जगह नहीं था, अभी उन्होंने उधर जगह ही कर लेके थोड़ा बोल दिया कि ऐसा बना दो बोल के। अभी एक कम से कम मेरे ख्याल से अभी एक 10-15 बचे हैं, वो 10-15 भी अभी वो डॉक्यूमेंट्स ला के दिए उन्होंने जो हमारे काम के। शौचालय किसी एक समुदाय के लिए है या तमाम के लिए? तमाम समुदाय के लिए, और हर एक समुदाय को हमने शौचालय का एक कर दिया है। जुनेदी मस्जिद जो है यहाँ पर, हाँ हाँ, तो वहाँ के लोगों की भी एक शिकायत रही कि अभी उनको घर घर शौचालय नहीं बनाया गया। नहीं, जुनेदी मस्जिद का कहाँ तक ताल्लुकात है बोले तो वो उनके पास रहने के लिए जगह ही ठीक नहीं है। और पहली बात क्या है, उनके जो मेरे पास आके जिसने भी एप्लीकेशन दिया है, मैं जहाँ पे गली गली में फिर के दिया मेरे हर एक वार्ड में बोले तो मेरे इधर कम से कम एक 10-15 गली आते हैं, वो हर एक गली में मैंने खुद निकल के जायजा लिया है और सब जने जो भी दिया है उनको हम शौचालय का उपलब्ध भी कराया है। अभी जो हमको हमारे पास अप्रोच नहीं हुआ है, जो वहीं पे बैठ के हमारे पास नहीं आया करके बोले तो ये गलत होता है। और आपके पास कहने के मुताबिक तो हमने गए, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमान समुदाय के लिए नहीं है। अभी मैं एक मिनट अभी मैं जो शौचालय बनाया हूँ कम से कम 125 में 50 से अधिक शौचालय तो मैंने मुसलमानों के लिए बनाया। पचास से अधिक, यानी जो मेरे पास आया है अभी जो जिसका तकलीफ रहता है उनको ही तो मैं कर सकता ना। अभी उन्होंने कोई बोला आपको ये नहीं मैं आप उनके मेरे पास गया था उन्होंने, ये जो गलत बात है जी। अभी देखो ये चुनावी मुद्दा है, अभी चुनाव आ रहे हैं तो यानी मुसलमान के खिलाफ है उमेश वंदल बोल के चंद कुछ लोग। चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, नहीं नहीं आपको बता नहीं 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 अभी आप बताता हूँ। मैं अभी मेरे पास मेरे फेवर भी रहने वाले हैं, मेरे अपोजिट भी रहने वाले, कहने वाले तो कुछ भी कह देते मगर हमारा क्या है, मैं हर एक को यानी अभी तक गैस जो भी है हमारे महानगर पालिका से गैस है और उज्ज्वल योजना से भी गैस है, हर एक लोग को मैं लिस्ट लेके उनको उज्ज्वला गैस है तो बीपीएल कार्ड जिसका रहता है उसका गैस हो गया ऑटोमेटिक, अभी उनका तो मैंने कर दिया। उससे पहले मैंने कम से कम 500 गैस दिए, उसमें हर एक समुदाय लोगों को दिया है मैंने, मैं इनको इनको भेदभाव नहीं किया। अभी जो समझते हैं हाँ नहीं नहीं वो सही है, ये बात मैं बताता हूँ सुनो, बीजापुर शहर के सभी लोग आके मेरे पास काम लेके जाते हैं मैं, और ये बात मैं यहाँ के बाजू आजू बाजू 3-4 वार्ड का भी काम मैं करते आया हूँ मैं, और ये जो बात गलत है जो मुझे हमारे अपोजिट जो इलेक्शन ठहर देते हैं वो कुछ बोल सकते हैं ऐसा, और उससे सिवा दूसरा कुछ नहीं।
और एक बात है, जो जुनेद जी मस्जिद के पीछे एक बहुत बड़ी शाही बोगी है वहाँ पर, हाँ, तो वहाँ पर जो है एक एक डेढ़ फीट का एक फर्सी का रास्ता है वहाँ पर, तो वहाँ से लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं और वो बहुत डेंजर हालत में है। तो अगर आप वहाँ उस पर एक स्लैब डाल के कुछ बोलते थे, एक हादसा होने से रुक सकता है। मैं कम से कम वहाँ पे जुनेदी मस्जिद के पास कम से कम एक चार पांच बार, परसों ही मैंने वहाँ पे ड्रेनेज का और पर्सी का काम किया है क्या जी, और कुछ एरिया बचे हमारे अभी टोटल वार्ड में बचा हुआ कोई या 4-5% काम बचा बोले तो जुनेदी दरगाह के पास, क्यों बोले तो वहाँ पे एक नहीं नहीं वो क्यों बचे बोले तो, और वो बॉडी जो बॉडी बहुत अच्छा बॉडी है, वो गैंग बॉडी का पानी मैं आपको मेरे पास लेटर भी है मैं दिखाता हूँ, इसका पानी है ना जो इसमें म्यूजियम में रखा है रखा गया है, क्यों बोले तो जिस कोई बोलते तो रोग हो उसके लिए वो पानी यूज़ होता था पिछले ज़माने में, वो म्यूजियम में रखा गया है, उसके लिए मैं कम से कम एक 10-15 लीटर दे चुका हूँ। अभी जो ताज बॉडी वगैरह बॉडी साफ़ किए ना, मैं उस बॉडी साफ करने में ये हमारा गैंग बॉडी भी एक साफ करो बोल को सरमान्य मिनिस्टर साहब से भी मैं दरख्वास्त किया हूँ और उनको लेटर भी दिया हूँ और हमारे कमिश्नर के ऑफिस में अभी तक भी फाइल पड़ा है। उन्होंने क्या बोला, पहले शाही बॉडी जो है ताज बॉडी चंदा बॉडी ऐसे कम से कम 16 बॉडी हमने लिया है, उसके बाद हम आपका काम करेंगे करके बोला है। अभी आप देखते रहेंगे क्यों, बॉडी को जाने के लिए नहीं, अगर मरे भी तो मैयत बाहर करने के लिए छोटा उतना सांद है उधर, आपको पता है। अभी अब बॉडी को हाथ लगाना बोले तो कैसा है बोले तो, पहले बॉडी क्लीन करना, वो पानी हम सब हर एक को पीने का लिए मौजूद करने का हमारा इरादा है। अभी हम उधर करना बोले तो उधर पब्लिक कोऑपरेशन क्या करते हैं, जुनेदी दरगाह के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमने उनको स्लम डिक्लेयर करने के लिए मैं 2-3 बार उधर गया हूँ, तो उन्होंने क्या बोला, ये मेरा मालकी ज़मीन है तो मैं इसमें स्लम डिक्लेयर करने के लिए नहीं देता करके बोले उन्होंने। जो जुनेदी दरगाह के जो साहब हैं उन्होंने अल्ताफ बोल के है उनका नाम, मैं उनसे कम से कम एक 10-15 बार जाके मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, देखिए साहब ऐसी बात ऐसी है, अगर स्लम में अगर स्लम में डिक्लेयर हुआ तो अभी मैं स्कीम अच्छे हैं, अभी मैं इधर कुंभार गली जो डिक्लेयर्ड स्लम है वहाँ पर 130 घर अभी वो पक्का घर बनते हैं उनका, कम से कम एक घर को 5 लाख रुपए, उसमें केंद्र सरकार का राज्य सरकार का महानगर पालिका का और जो फलानुभ है उनका सब कोऑपरेशन रहता है, वो उसके हिसाब से 130 घर सेंक्शन हुए। मैं इधर कुछ घर बचे यानी झोपड़पट्टी जैसा ही है वो इलाका, मैं उसको सुधारना चाहता था, आगे अब उन्होंने डिक्लेयर करने के लिए मना कर दिया, 2-3 बार सर्वे के लिए गए थे जो लोग उनको वापस भेज दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोले अभी टॉयलेट का भी हो गया, अरे स्लम बोल के डिक्लेयर हो गया बोले तो हमें सब कुछ कर सकता था मैं उधर, फिर भी मैं उनको उधर फ्री नल का कनेक्शन दिया हूँ, जो अभी बिल नहीं परसों मैं उनको रिसीट भी बांटा हूँ, इतने दिन से वो जो पानी पी रहे हैं उनका बिल भी नहीं भरते, तो अभी तक नहीं भरते। मैं सर्वे किया बोले तो कम से कम 2-3 बार सर्वे करने गए थे, मैं बोला गरीब लोग हैं जाने तो छोड़ो बाद में करो बोलते हैं, उनको और थोड़ा फैसिलिटीज़ देने का है। अभी वो जुनेदी दरगाह का जो बोले आप वो बिल्कुल सही है, क्यों बोले तो हमको इतने तकलीफ़ दिए उन्होंने, जो स्लम डिक्लेयर करने का मौका ही नहीं दिया, हम 3-4 बार सर्वे करने के लिए गए तो उनसे झगड़ा करके वापस भेज दिया उन्होंने। कुंभार गली अंबा भवानी जो मंदिर है वहाँ पर तो पूरा सीसी बैड आप डाले हैं, राइट साइड में एक लाइन जो आती है, हाँ वो भी नहीं हुआ काम। नहीं नहीं वो काम क्यों नहीं हुआ बोले तो, वहाँ पे अभी 24 घंटे का नल का कनेक्शन आने वाला था, अभी मैं उसका रेडी पोजिशन है, अभी वो PWD में सेंक्शन भी हुआ है, अभी वो काम चालू कर रहे थे, काम चालू कर रहे थे उसके लिए उन्होंने क्या बोला, 24 घंटे का एक नल आ रहा है, अभी उसके अभी नाम सीसी बेड बनाने के बाद खोदने का अच्छा नहीं लगता, उसके लिए पहले खोद के वो नल डाल के हर एक घर को कनेक्शन भी दे के बाद में सीसी बेड डालेंगे बोल के वो एक लाइन जो है वहाँ पर जरा ड्रेनेज का ओवर फ्लो होने की जरा 1-2-3 एरिया में ये समस्या नहीं, देखिए इतना बड़ा वार्ड है और यहाँ पे ड्रेनेज हर एक ले के ड्रेनेज है, जो नया थोड़ा बहुत बनाया हूँ मैं उससे पहले ही ड्रेनेज का ये है, अभी तो कम से कम एक 20-25 बरस का ड्रेनेज है, अभी वो तो फ्लो होने वाली उसका सवाल नहीं उठता। अगर हमको काम करने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं, आप जा चुके हैं, अभी मरे तो मैयत काटने के लिए बाहर जगह नहीं है, आपको पता है
इतना इतना सांद है, हमको काम करने के लिए लोग भी कहते हैं, हम कम से कम 100 बार वो भर रहे, 100 बार हम खाली कर रहे हैं। अभी नया बनाने के लिए मैं कमिश्नर को लेटर भी दिया हूँ। अभी आने वाले ड्रेनेज के लाइन में जो एशिया इसमें है ड्रेनेज, इसमें उसका भी नाम डाल के कम से कम एक 30-40 मीटर का ड्रेनेज बचा हुआ है, वो भी मैं पूरा कर देता हूँ, करता हूँ। मगर वो नेचुरल जो स्लोप है उसका, वो जिस तरफ जाता है वहाँ पे सब ने एक्वायरमेंट कर लिया है, सब घर बना दिए सब। यानी मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिक को भी सहकार देना चाहिए। पब्लिक कैसा करती है, ड्रेनेज का पानी बाहर जाना चाहिए मगर ड्रेनेज डालने के लिए मेरे घर के सामने नको, आपके घर के सामने नको, नल करंट चाहिए, खंभा मेरे घर के सामने नको, आपके। पब्लिक भी सहकार देना चाहिए ना। अब हाँ बोलो, पूछो। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आप पूछो। सलंग एरिया का जो प्रॉब्लम है तो ये ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो के लिए वो घरों में आता है और बैक उनके जो, वही तो बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुलजा भवानी नर्सिंग कॉलेज का पीछे की आप बात कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है, वो ड्रेनेज का स्लूप ये साइड है, जिस साइड है ना वहाँ पे 1 फुट का सांद है, वो भी पूरा कवर कर दिया, एंक्रोचमेंट कर दिया। अभी हमको तो ड्रेनेज का वो स्लोप वो साइड है, अभी हम स्लोप ऐसा ऊपर कैसा ले सकते हैं? अभी करना बोले तो उसके लिए पब्लिक का भी सहकार चाहिए ना। हमने कम से कम एक 20-25 बार जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको थोड़ा खाली कर रखे, तो 1-3 फुट तो हमको दिए, तो उसमें हम ड्रेनेज डाल के लेके सकते, वो फिर भी पब्लिक कोऑपरेशन नहीं किए। अभी उसके ऊपर ड्रेनेज के ऊपर घर बांध लिया उन्होंने, अभी हमें क्या कर सकते उसके ऊपर? अभी घर निकाल के ड्रेनेज बनाना पड़ता है, अभी उसको कोऑपरेशन देना ना। ये किया दो जगह ऐसा है जो पब्लिक का किरकिरे बोले तो उन्होंने ड्रेनेज के ऊपर अपना घर बना लिए, अभी हम क्या कर सकते बोलो। शांति नगर, हाँ, जो पुलिस ग्राउंड के मेन रोड से ऊपर आते हैं, हाँ, पहले तो वहाँ 20-25 फुट का वो हाइट था, तो आपने एक काम किया है कि वहाँ स्लोप करके बेड डाला है कि लोग आसानी से शांति नगर में आ सकते हैं। लेकिन आगे जो शांति नगर में भी, अब अंदर की गलियों में भी हमने देखा कि आपने हर तरह का काम वहाँ पर किया है शांति नगर में, मैं सीसी बेड हर गली में डाला है। लेकिन वो जब हम टेक चढ़ के आते हैं ग्राउंड से ऊपर, वहाँ पर जो 20 फीट की रोड है, वहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक 20 फीट की रोड है, अब हाल ही में वो रोड जो है 8 या 10 फीट की रोड है, तो वो भी बहुत तो पुरानी रोड है। अभी उन लोगों ने परसों वहाँ पे गली के सभी लोगों ने मिलके मेरे पास आए थे, वो वहाँ पे एक रोड जाता है, एक 20-25 फुट का रोड है, वहाँ पे एक किसी ने अपना घर बना लिया है, कोई ने एक बड़ा ऑफिसर है क्या, मैं अभी उनको, मेरे पास भी मैप नहीं था, वो परसों मैप और एप्लीकेशन ला के दिए मेरे पास, मैं वो कमिश्नर को पहुँचाया हूँ। हालांकि इलेक्शन जो चल रहा है इसके लिए एंक्रोचमेंट का काम बंद है, ये इलेक्शन के बाद ज़रूर उनका काम करेंगे। और जो अप्रोचिंग रोड गैंग बॉडी को है, जिसने उधर वहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा खड्डा है, खनी बोलते हैं उसको, पुराना पत्थर का खनी है, हाँ, उसका बाजू एक रोड जाता है उनके पब्लिक के बोलने के मुताबिक, और मैप में भी है वो रोड। अभी वो बड़ा अधिकारी है, उन्होंने कवर करके रखा है, अभी हमने 2-3 बार एप्लीकेशन भी दिए, इसके बाद उसका प्रोसीजर चालू करते हैं और वो भी रोड उनको अप्रोचिंग दे देते हैं, तो इंक्रोचमेंट निकलने के बाद वो क्लियर हो जाता है। तो स्लम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय की ज़रूरत, स्लम एरिया में पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे है, यहाँ पे तो मुझे एक जगह दिए तो बस, मुझे मैं पब्लिक टॉयलेट भी करा देता हूँ, मुझे जगह नहीं दिखा है। क्यों बोले तो उधर का जो जो जुनेदी दरगाह के जो इन बोले तो अल्ताफ बोल के एक मालिक आते हैं, जुनेदी दरगाह के मालिक आते हैं, उन्होंने क्या किया है, प्लॉट डालने का बेचने का, रोड पर भी प्लॉट डाल के बेच दिया उन्होंने। जो बड़ा रोड था उसको इतना इतना 3 या 2-3 फुट का सांद बना दिया। अभी हम इसमें हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं बोलो आप? अभी आपका जगह रहा है तो स्वच्छ भारत मिशन में मैं पहला आते थे उसको देता हूँ, पहले पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए। वहाँ पर भी हमने कम से कम एक 25-20 टॉयलेट जो जिसका जगह था, जिन्होंने दिखाया वो सब मुसलमान ही है, फिर उसको भी बना दिया उनको। अभी आप नीचे लोगों पूछो, आप जिनके पूछे मुझे पता नहीं, आप उन लोगों से भी आप पूछे तो बता देते कौन बनाया बोल के। शांति नगर में जो अभी मैं बात किया था वहाँ पर अभी 24/7 की लाइन नहीं है, अभी डालते हैं, ये भी काम कल चालू हो रहा है ना, ये खत्म होने के बाद उधर करते हैं।
अभी 24/7 जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ये हाल ही में जो बेड डाला गया है वो फोड़ कर बिछाई जा रही है, खत्म होने के बाद उसको अगर जल्द ही दुरुस्त करेंगे जरूर करेंगे, नुकसान होने से बचता है। अभी उसके लिए तो मैं आपने जो अंबाबाई देवस्थान के बाजू एक रोड का जो जिक्र किया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका ऐसे एक दो तीन रोड अभी, हर एक रोड सीसी बनने के बाद अभी हमारा 24/7 का सैंक्शन हो गया। अभी सैंक्शन हो के अभी हर तरफ पानी आ रहा है, तो भले हमारे वार्ड में भी पानी चाहिए ना। उसके लिए क्या है, क्या मैंने अभी वो फोड़ के और उनको ही टेंडर हो जाता है, जो फोड़े रहते हैं ना जैन पाइप, जिनका जैन कंपनी का है उनको ही टेंडर हो गया है। जितना आप फोड़े रहते उतना रिपेयर करके देना बोल के उनको ही टेंडर हो गया है। जब पाइप का हर एक घर को कनेक्शन मिल जाता है, अभी 3-4 महीने लगते हैं हर एक को पानी आने के लिए, हर एक डोर टू डोर कनेक्शन देने के लिए, उसके बाद ज़रूर हो जाता है। आखिर में आप अपने वार्ड के निवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सहकार देता है, अभी आपने मुझे तो सिर्फ एक या दो जगह का उतना ही प्रॉब्लम बताया। मेरे वार्ड में कम से कम मेरे वार्ड में एक 10-12 गली आते हैं। आप हर एक गली में जाके आपने पूछताछ किया है वो तो आपको क्या महसूस हुआ? मैं तो आपसे नहीं बोलता, हर गली में है। हाँ, लेकिन ये जो छोटे मोटे समस्या है, ये ड्रेनेज ओवरफ्लो होता है और कचरे की समस्या है, कचरा के डस्टबिन रखना कम है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन। देखिए, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। मैं खुद कॉरपोरेटर होके, मैं आज को 15 महीने हो गए, प्रतिदिन 2 घंटे हम स्वच्छ भारत का ले जाते हैं। मैं अकेला नहीं जाता, हमारे वार्ड के दूसरे वार्ड के सदस्य कम से कम एक 60-70 लोग प्रति, ऐसा 100-150 जन है जो ये वीकली 2-3 दिन टाइम देने वाले हैं, जो बीजापुर शहर के लिए टाइम देते हैं। अभी स्वच्छ भारत के मैं ही उतना ये कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ। पहले मैं अपना वार्ड स्वच्छ किया, बाद में क्या किया, 1200 घरों को मैंने डस्टबिन दिए। आपको कुंभार गली में हो आपको पता रहेगा, जो स्लम है बड़ा सा, 1200 घरों को मैंने डस्टबिन दिया है। क्या गाकि डस्टबिन बाहर नहीं फेंक सके। मैं पब्लिक का भी कोऑपरेशन चाहता हूँ कि मैं अपने इतना स्वच्छ भारत किया, इतना स्वच्छता किया, गली गली में फिर के भाई डस्टबिन दिया, उसका सदुपयोग करें। और जो स्वच्छ साफ सफाई रखने के लिए हर एक पब्लिक की भी हमारे साथ कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन नहीं रहे बोले तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अगर मेंबर MLA कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक साथ दी तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, पब्लिक अगर पब्लिक सहकार दिया तो आपने जो बोला है, जो जुनेदी मस्जिद का हो या कुंभार गली का हो, ये क्या जो 2-3 छोटे मोटे बहुसार नगर में तो हर एक रोड कर दिया मैंने, बहुसार रोड। हालांकि नहीं, वो तो बनाता हूँ, ज़रूर बनाता हूँ। और हालांकि मेरे वार्ड को भी नहीं आता, आपको पता रहेगा ये जो बावसर नगर का जो अंबाबाई देवस्थान के नीचे होता है, 1 करोड़ का काम किया हूँ मैं वहाँ पे। वहाँ पे तो बिल्कुल रोड नहीं थे वहाँ पे, हालांकि वो सब लोग टैक्स पेयर थे, हर एक NA प्लॉट का ये रहता था और हर एक टैक्स पेयर होता था हर एक को। और हमारे इधर काली मस्जिद बोल के है, वहाँ पे हर एक लोगों को नल का कनेक्शन दिया है फ्री में, हर एक जन को। उधर भी पब्लिक कम से कम उधर 20-22 पब्लिक प्राइवेट शौचालय बनाए हमने वहाँ पे। सब जने सब मुसलमान है वो तो एरिया। आपके घर के जो इधर सामने बीच ये जो रोड है मेन रोड, तो वो अभी रोड जरा बहुत खस्ता हालत में, वो भी रोड पूरी नहीं हुई अभी तो रोड बनाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी हमें 24 घंटे का नल डाल रहे हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो नल डाल रहे हैं उन्होंने जैन कंपनी वाले रिपेयर करके देने का है हमको। अभी वो हर एक रोड का काम, अभी आपको 1 या 2 रोड मिल रहे। पहले तो मैं जब चुन के आया था कम से कम 90% रोड, 90 क्या 100%। अभी आपने इधर 18 नंबर उर्दू साल के पास देखा होगा, वहाँ पर तो बिल्कुल रोड नहीं थे वहाँ। तभी आप निजामुद्दीन दरगाह के पास वहाँ तो आप अभी गए तो कितना साफ सुथरा लगता है। एक दो बाकी किस वजह से? हाँ, उसके कोई आपकी जनता क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये करता हूँ कि आप हमें सहकार दीजिए, हम आपको काम करेंगे। आप कुछ भी क्या कुछ भी रहो, मेरे पास आके मेरे पीछे मत बोलो, मेरे पास सामने आके बोलो। अगर आपको ये मेरा फ़ोन आपको इधर आने का में तकलीफ होती है तो मैं खुद आ जाऊँगा। हर एक के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मैं फिर के हर एक घर को कार्ड दिया हूँ
और हर एक लोग जो उधर बैठ के बोले तो मैं खुद उनके जाके घर को जाके सर्विस देता हूँ, मगर मुझे कोऑपरेशन चाहिए, सहकार दो, आप डेवलपमेंट में ज़रूर करूँगा। मैं तो फिलहाल वक्त मेरे ख्याल से तो पूरा डेवलपमेंट हो गया है, उसके लिए मैं आपने जब मुझे पूछा कि मैं आपको वार्ड को जा रहा हूँ तो आप क्या बोलना चाहते करके बोला, मैं बोला पब्लिक जो बोलेगी उससे एक्सेप्ट करता हूँ, जो कुछ काम बचा है मैं आपके एक बी न्यूज़ मीडिया नेशन से मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। हमने वार्ड नंबर 3 की हकीकत आपके सामने रखी है, वहाँ की समस्या के बारे में भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 4 के कॉरपोरेटर हीरो हैं या जीरो।